सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। पंजाब के बटाला में शराब पीकर घर लौट रहे चार कार सवार युवकों ने पुलिस के साथ मारपीट की है। पहले शराबी युवकों ने बटाला के गांधी चौक में अचानक सामने से जा रहे एक बाइक सवार को पीटना शुरू कर दिया और जब युवक को बचाने आए पुलिस कर्मचारियों पर भी आरोपी युवकों ने लात घूसों से हमला बोल दिया। युवकों की इस हरकत को आसपास के लोगों ने अपने फोन के कैमरे में कैद कर लिया। तो वहीं जैसे ही मामले की सूचना पुलिस के आला अधिकारियों को लगी तो वो तुरंत मौके पर पहुंचे और चारों युवकों को हिरासत में ले लिया गया है। तो चारों युवकों की पहचान अवतार सिंह, हरजीत सिंह, गुरजंत सिंह और जंग बहादुर के तौर पर हुई है। तो चारों युवक एक शादी समारोह से लौट रहे थे और शराब के नशे में धुत थे। तो शराब के नशे में धुत थे ये चारों युवक और इस नशे के चलते इस पूरी घटना को अंजाम चारों युवकों की तरफ से दिया गया है। पुलिस के साथ मारपीट यहाँ पर की गई है। तो बता दें कि पंजाब के बटाला का ये पूरा मामला है जहाँ पर पहले शराबी युवकों ने बटाला के गांधी चौक पर अचानक सामने आ रहे एक बाइक सवार युवक को पीटना शुरू किया और जब पुलिस वाले वहां पर उस शख्स की मदद करने पहुंचते हैं तो यहां पर नशे में धुत चारों युवकों की तरफ से पुलिस पर भी लात घूसों से हमला बोल दिया जाता है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं बटाला की। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चारों युवकों को हिरासत में ले लिया है। तो बता दें कि ये जो आरोप युवक किसी शादी समारोह से वापस लौट रहे थे। हेलो वीरा, हेलो, एक आदमी नान सा पेटी की ना वीरा, मैं कहना चलते नहीं किता चौंक दे चौंकी इंचार्ज बस स्टैंड ने नाका लाया सीगा। नाके दे दौरान ये चार जवान आए, हरजीत सिंह, अवतार सिंह, गुरजंट सिंह ते जंग बहादुर। ये अपने के फंक्शन तो आए, सारे शराब नाल ड्रिंक की हुई सी। इन्हों की गड्डी गांधी चौंक के जो गुरदासपुर साइड तो अमृतसर साइड में जा रहे थे, पिछों एक पब्लिक के बंदे का मोटरसाइकिल आया, वो इन्हों की गड्डी के पिछे बंपर के नाल लग गया। ये उतरदे सार ही इन्होंने उन्होंने कुटना शुरू कर दिता। लागे खड़ी पुलिस ने जो इन्हों हटाने की कोशिश की तो इन्होंने पुलिस के नाल भी हथोपाई करनी शुरू कर दी। जिसते इन्हों फिर इतने जोड़ा है थाने लिया गया आ, इन्हों खिलाफ जो बनती कार्रवाई की। संवाददाता भोपाल सिंह हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। भोपाल बटवाला से शराब के नशे में धुत चार युवकों की तरफ से पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट का मामला सामने आया। जी अश्मा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बटाला के मुख्य चौक है गांधी चौक और वहां पर ये सारा घटना हुई है। यहां पर एक गाड़ी में चार नौजवान सवार थे जो बताया जा रहा है कि नशे में थे, शराब पी रखी थी उन्होंने। तो उनकी गाड़ी के पीछे से किसी पब्लिक का जो मोटरसाइकिल था वो उनकी गाड़ी के पीछे टकराया और जिसके बाद इन्होंने गाड़ी से उतर के उस मोटरसाइकिल वाले को पीटना शुरू कर दिया। तो वहां पर चौक में मौजूद जो पुलिस कर्मचारी थे उन्होंने जब जाकर इनको छुड़ाने की कोशिश की तो ये चारों नौजवान जो हैं वो पुलिस के कर्मचारियों के भी साथ झगड़ना शुरू कर दिया और उनके साथ मारपिटाई करनी शुरू कर दी। एक पुलिस कर्मचारी के इसी मारपिटाई में पगड़ी भी उतर गई। तो वहां पर मौजूद जो लोग हैं उनके द्वारा ही ये सारी वीडियो मोबाइलों में रिकॉर्ड की गई है उस समय की और काफी हंगामा हुआ है। बाद में जो पुलिस अधिकारी कोई और पहुंचे हैं थाने के तो उन्होंने इनको चारों को पकड़कर थाने में ले जाया गया और वहां पर कार्रवाई करने की बात करती दिखाई दे रही है पुलिस अधिकारी। और इन चारों नौजवानों के जो परिजन थे वो भी वहां पर पहुंचे थाना में और उन्होंने भी काफी हंगामा किया है। लेकिन एक ये खास बात यह देखने वाली है कि आज कुछ लोग जो है वो नशे में आकर पुलिस अधिकारियों के भी जो गले पड़ने में हिचक नहीं करते, उनसे झगड़ा करने में हिचकिचाहट नहीं कर रहे। बिल्कुल भोपाल, जिस तरह से पूरा मामला सामने आया कई सवाल तो यहाँ पर खड़े हो रहे हैं लेकिन पुलिस की तरफ से अभी हिरासत में इन चार युवकों को लिया गया है। पूछताछ में और क्या कुछ निकल कर सामने है क्योंकि जिस तरह से देखा जाए सिर्फ ये पुलिस के साथ मारपीट का मामला नहीं बल्कि ड्रग एंड ड्राइव का भी मामला है क्योंकि नशे में धुत थे युवक और गाड़ी में सवार थे। किस तरह से पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जा रही पूरे मामले में? जी, जब हमारी पुलिस अधिकारियों से बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि इन चारों को गिरफ्तार कर लिया गया है क्योंकि इसमें एक पुलिस अधिकारी की वर्दी भी फाड़ी गई है और साथ में उसकी पगड़ी उतारी गई। पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों के ऊपर हाथ भी उठाया गया इनके द्वारा, तो जो बनती कार्रवाई इनके ऊपर की जाएगी। फिलहाल इन चारों को जो पुलिस ने अपनी हिरासत में ले रखा है और आज उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया भोपाल जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।